जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। राधा राधा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान वाच। त्वं हि नः परमं चक्षुः सुहिं मन्त्रार्थ तत्त्ववेत् अथात्र ब्रूह्यनुष्ठेयाम् श्रद्दद्मः करवाम तत् इत्युपामन्त्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेनापि मुग्धवत् निदेशं शिरसादाय उद्धवः प्रत्यभाषत। श्री शुक उवाच। इति उदीरितमाकर्ण्य देवर्षेरुद्धवो ब्रवीत् सभ्यानामतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। द्वारका में सुधर्मा सभा में भगवान कृष्ण बैठे हैं समस्त जादुओं के साथ। तो उस समय जरासंध के द्वारा कैद किए गए राजाओं का एक दूत आया सुधर्मा सभा में। तो भगवान के द्वारपालों ने पार्षदों ने उसका प्रवेश कराया सभा में। तो वह निवेदन कर रहा था कि हे प्रभो, जरासंध उन राजाओं को बहुत सता रहा है, उन लोगों ने यह पत्र लिखा है। तो श्री भगवान ने कहा कि ठीक है, पत्र पढ़ो। तब वह दूत पत्र पढ़ने लगा। राजाओं का यह संदेश था कि हे नाथ, हम आपके भक्त हैं और जब से हमने जरासंध को समर्पण नहीं किया, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं किया, इस कारण से वह हमें बहुत दुख दे रहा है। हम आपके भक्त हैं, अतः हमें वैष्णव जान करके और अधिक दुख दे रहा है। आप कृपा करके इस कर्म बंधन से, जरासंध के कैद खाने से हमें मुक्त कीजिए, हम बहुत दुखी हैं। यह बात सुनकर द्वारका के जितने भी जदुवंशी थे सब ने कहा ठीक है ठीक है, अपने शरणागतों की रक्षा करने के लिए चलना चाहिए। तो उसी समय देवर्षि नारद उस सभा में आए। आने पर श्री भगवान उस बात दूत की बात छोड़ करके देवर्षि की बात सुनने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम लोग घर बैठे बैठे संपूर्ण विश्व का समाचार आपके द्वारा जान जाते हैं। आप वायु की तरह, सूरज की तरह सब दुनिया में भ्रमण करते हैं, तो आप सब कुछ जानते हैं। कृपा करके बताइए कि हमारे फुफेरे भाई महाराज युधिष्ठिर इस समय क्या करना चाहते हैं, कौन सा कार्य विशेष करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तब श्री नारद जी ने बताया कि हे प्रभो, युधिष्ठिर महाराज आपके परम भक्त हैं और
प्रेमी हैं, सुहृद हैं, वे राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, संपूर्ण विश्व के राजाओं को अपने वश में करना चाहते हैं, और उस यज्ञ में वे चाहते हैं कि आप पधारें, संपूर्ण विश्व से आए हुए, तीनों लोक से आए हुए लोग आपका दर्शन करेंगे। आपके विषय में बहुत लोग सुने हैं, देवलोक में देवता लोग जानते हैं कि आप पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, उसमें से कुछ ही लोग दर्शन किए हैं, बाकी सब केवल सुने हैं, आपके विषय में सुने हैं। आपकी लीला कथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है, तो सबको इच्छा है देखने की आपको। तो आप यदि हस्तिनापुर आएंगे और वहाँ यज्ञ होगा, तो उस यज्ञ में देवता भी आएंगे, मनुष्य भी, राजर्षि गण आएंगे, ब्रह्मर्षि गण आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, तो आपको देख करके उन्हें नेत्रों का फल मिल जाएगा। तो आप कृपा करके पधारिए उस यज्ञ में। महाराज युधिष्ठिर आपको बहुत चाहते हैं, आपकी पूजा करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, आपको वे विश्वविख्यात बनाना चाहते हैं। विख्यात तो आप हो ही गए हैं, उस सबको आपका दर्शन कराना चाहते हैं। श्री नारद जी की ये बात सुनकर कुछ यादवों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, नहीं, युधिष्ठिर के पास इस समय जाना ठीक नहीं है, सबसे पहले अपने शरण में आए हुए राजाओं की रक्षा करनी चाहिए, अपने शरण में जो लोग हैं पहले उनको बचाना चाहिए, इसके बाद अपने संबंधी का प्रयोजन सफल करना चाहिए। तो भगवान इस प्रकार दुविधा में पड़ गए। संपूर्ण यादव चाहते थे कि जरासंध के अधीन कैद में पड़े हुए राजाओं का उद्धार किया जाए, और इधर नारद जी चाहते हैं कि भगवान हस्तिनापुर चलें। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला किए जैसे वे इस बात को समझ नहीं रहे हों कि कौन काम पहले करना चाहिए। मनुष्य लीला कर रहे हैं, इत्तपा मंत्रितो भरतरा सर्वज्ञ नापि मुग्धवत्। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जाने, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं कृष्ण, फिर भी मुग्धवत एक नासमझ व्यक्ति की तरह, अज्ञ व्यक्ति की तरह भगवान पूछे। तो उनकी बात को सुनकर श्री उद्धव जी भगवान के आदेश को स्वीकार किए, और इसके बाद उन्होंने कहना प्रारंभ किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवर्षि की बात को सुनकर उद्धव जी ने कहा, सभ्यान मतम देवर्षे मतम कृष्णस्य च मतम आज्ञाय। श्री उद्धव जी भगवान के मंत्री हैं। मंत्री का अर्थ होता है वो जो मंत्र देता है, मंत्र का अर्थ है ओपिनियन, राय राजा को देता है, उसको मंत्री कहते हैं। जो किसी क्रिटिकल समय में उचित ओपिनियन देता है, सलाह देता है, उसको मंत्री कहते हैं। भगवान के मंत्री हैं उद्धव जी, सखा भी हैं, सेवक भी हैं, और मंत्री भी हैं, बहुत प्रिय हैं उद्धव जी भगवान के। आप लोगों ने सुना होगा कि अपने विरह में व्याकुल ब्रजवासियों को, विशेषकर गोपियों को सांत्वना देने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी को भेजे थे। उद्धव इतने विद्वान पुरुष हैं, देश काल के अनुसार बोलने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने गोपियों का दुख दूर कर दिया जो भगवान के विरह में रो रही थी। इतना अंतरंग है उद्धव जी, अपनी प्रेमिकाओं के पास भगवान भेजे उद्धव जी को, इसका अर्थ है कि उद्धव में और कृष्ण में कोई भेद नहीं,
इतने अंतरंग लोगों के पास कोई व्यक्ति अपने अंतरंग को ही भेज सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने दो दूत भेजा था जब कंस का वध कर दिए, मथुरा में रहने लगे, तो उन्होंने दो दूत भेजा, एक को हस्तिनापुर भेजा मथुरा से और एक को ब्रज में भेजा, और क्रूर जी को हस्तिनापुर भेजे। पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र का क्या व्यवहार हो रहा था इसका पता लगाने के लिए अक्रूर जी वहाँ गए और गोपियों को, ब्रजवासियों को अपने विरह दावाग्नि से झुलसते हुए जानकर भगवान उद्धव जी को भेजे सांत्वना देने के लिए। ये दो भगवान के मुख्य संबंधी हैं, नंद बाबा के ब्रज के वासीगण और कुंती महारानी के संबंध से महाराज पांडु के पुत्रों के साथ संबंध। तो उद्धव जी बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं भगवान कृष्ण के, बहुत प्रिय, बहुत विद्वान। वे इस पृथ्वी पर ही नहीं पढ़े थे, इस स्वर्ग में गए थे पढ़ने के लिए, और वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जी ने डायरेक्ट इनको पढ़ाया था न्याय शास्त्र, सब कुछ पढ़े थे। हम लोग भारतवर्ष में देखते हैं कोई अगर इंडिया से, भारत से इंग्लैंड पढ़ने आता है तो बड़े गर्व से कहते हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ कर आया है, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ कर आया है, वो यहाँ से पढ़ कर आया है। पहले तो लंदन रिटर्न लोग सुनते थे तो लगता था कि ये तो बैकग्राउंड से ही आया है, बहुत वो लिखते थे क्वालिफिकेशन में कि ही इज लंदन रिटर्न्ड, मतलब लंदन आ गया है तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। ये बात कुछ भी हो, लेकिन केवल एक देश से दूसरे देश में इस पृथ्वी पर ही जा करके पढ़ करके आता था तो उसकी इतनी प्रशंसा होती थी। उद्धव जी तो स्वर्ग में पढ़ने गए थे, इस पृथ्वी पर ही नहीं, और देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उन्होंने डायरेक्ट पढ़ाया था। ऐसा नहीं किसी शिष्य को लगा दिया था कि तुम पढ़ा दो, वो डायरेक्ट पढ़ाए थे। शिष्य बृहस्पति साक्षात, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जी बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य थे। साक्षात शिष्य का अर्थ डायरेक्ट डिसाइपल, वही पढ़ाए थे। इतने बड़े थे जिनसे भगवान राय पूछ सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं, वो कितना बड़ा व्यक्ति होगा। भगवान ने कहा कि तुम ही न परमम चक्षु, हे उद्धव तुम ही मेरे परम आँख हो, तुम्हारी ही आँख से देख करके मुझे चलना ठीक है, तुम जो कहोगे उचित होगा। तो उद्धव जी भगवान की इच्छा को जानकर, देवर्षि नारद की इच्छा को जानकर और उस सभा में बैठे हुए समस्त जादुओं के मत को जानकर इस प्रकार बोलना चालू किए। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं गंगा के तट पर, महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। तो इस प्रकार उद्धव जी बोलते हैं, तीन का मत जानकर के, सभा में बैठे हुए लोगों का मत जानकर और भगवान कृष्ण का मत और देवर्षि नारद का मत, वे बोले जदुक्तम ऋषिणा देव साचिव्यम जक्षतस्त्वया कार्यम पैतृश्वेयस्य रक्षा च शरणैषिणाम। श्री उद्धव जी कहते हैं कि जैसा देवर्षि नारद जी ने कहा कि राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए और वे आपके पिता की वाहन के पुत्र हैं, मतलब फुफेरे भाई हैं। पित्री स्वसे यस्य, पित्री का अर्थ है पिता और स्वसा का अर्थ है बहन, सिस्टर। तो पित्री स्वसे यस्य, जो पिता के बहन की के पुत्र हैं, वे चाहते हैं कि राजसूय यज्ञ हो, मतलब आपके स्नेही, आपके रिलेटिव युधिष्ठिर महाराज चाहते हैं कि राजसूय यज्ञ होना चाहिए जैसा देवर्षि नारद जी ने कहा। और इधर सबके सामने जो दूत आया है
जरासंध के द्वारा कैद किए गए राजाओं का, तो उन लोगों की रक्षा करना भी धर्म है। तो एक तरफ महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाने का निमंत्रण, और दूसरे तरफ शरण में आए हुए दीनहीन राजाओं की रक्षा। जस्तव्यम राजसूय न दिचक्र जयना विभु, अतो जरा जरा सुत जय उभयार्थम अतो मम। उद्धव जी कहते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर चुका है, जो चक्रवर्ती सम्राट होगा, उससे बढ़ करके कोई राजा नहीं होगा। सभी राजा उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे तभी राजसूय यज्ञ हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो राजसूय यज्ञ करने के लिए जरासुत पर विजय पाना जरूरी है। जरासुत मतलब जरासंध, जरा नामक एक पिशाची ने उसको जोड़ा था। जब जरासंध का जन्म हुआ था तो आधा आधा अंग जन्म लिया था, दो टुकड़े में, एक बाह एक आँख, ऐसे सीधा फटा हुआ था, मरा हुआ था बिल्कुल। आधा शरीर कोई जीवित कैसे रह सकता है? उसकी माँ के द्वारा उसका जन्म हुआ तो ऐसे मरा हुआ दो लाश हाफ हाफ जन्म लिए थे, तो फेंक दिया घर के पीछे गड्ढे में, फेंक दिया गया, शव को फेंक दिया गया। लेकिन रात्रि में एक जरा नाम की पिशाची से राक्षसी थी, उसने लिया दोनों टुकड़ों को और इसे सटा करके बोलने लगी, जीव जीव जीव, ऐसे करने लगी, तब तक तो जी गया। बाद में उस लड़के का नाम हुआ जरासंध, जरा के द्वारा जिसकी संधि हुई, वेल्डिंग हुआ, जुड़ा, तो उसको जरासंध कहा गया। जरासुत कह रहे वही सबसे बड़ा क्षत्रिय था, सबसे बड़ा राजा। कंस आदि उसके सेवक थे, कंस जो मर गया उसका दामाद था, वे सब तो उसी का चरण चूमते थे। पृथ्वी के जितने क्षत्रिय थे वास्तव में सब उसके चमचे थे, मतलब उसी का चरण चूमते थे, इतना बड़ा राजा था। उद्धव जी कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ करने के लिए राजाओं को जितना जरूरी है, तो उस संदर्भ में जरासुत जरासंध को जितना अब बहुत आवश्यक है। अतः अस्माकं च महानर्थो येते नैव भविष्यति, यज्ञश्च तव गोविंद राजो बद्धन विमंचत, रक्षा। तो ये इसी से हम लोगों का महान अर्थ साधेगा, पर्पस पूरा होगा, इसी से केवल हो गया। यदि जरासंध को हरा दिया गया या उसका वध कर दिया गया तो समझिए कि राजसूय यज्ञ हो जाएगा। यदि जरासंध जीवित रहा तो राजसूय यज्ञ नहीं हो पाएगा। तो जरासंध का यदि वध हो जाता है तो इससे हम लोगों का महान अर्थ सधेगा और ये यज्ञ भी हो जाएगा। हे गोविंद, आपके शरण में आए हुए राजा लोग भी बंदी से छूट जाएंगे। ये तीन काम करना जरूरी है। जरासंध का वध होते ही और दो हो जाएगा, यज्ञ होगा, राजा लोग छूट जाएंगे, वे राजा लोग कर लेकर के महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आएंगे, तो सारा विश्व महाराज युधिष्ठिर के वश में हो जाएगा। इस तरह से जरासंध के वध से सब कुछ पूरा हो जाएगा। परंतु उद्धव जी कहते कैसे मरेगा वो, भरी सभा में राय दे रहे हैं, सवई दुर्विषहो राजा नागायुत समो बले हैं बले बलिनाम पिचाने साम भीमम संबलम बिना। परंतु वह राजा जरासंध बल में 10,000 हाथी का बल रखता, एक व्यक्ति में 10,000 हाथी का बल, और 10,000 बहुत हेल्दी हाथी, बहुत खाए पिए मजबूत, आज जैसे दुबले पतले हाथी नहीं। हम लोगों के भारतवर्ष में
किसी के बल का माप एलिफेंट पावर से किया जाता था, और अंग्रेजों में हॉर्स पावर चलता है, हॉर्स पावर, लेकिन हम लोगों के यहाँ हाथी का बल चलता है, एलिफेंट पावर। जब भी शास्त्रों में चर्चा हुई है तो हॉर्स पावर की चर्चा हुई, यानी वेदों में हाथी के बल से चर्चा हुई, सॉरी। जैसे भीमसेन को कहा जाता है कि मैं 10,000 हाथी का बल था, जरासंध में 10,000 हाथी का बल था, दुशासन में भी 10,000 हाथी का बल था, लेकिन कुछ कमजोर हाथी का सबसे बलवान भीमसेन थे। ऐसे दुर्योधन भी 10,000 हाथी का बल रखता था। यह एक माप था। ऐसा भी वर्णन है कि किसी किसी में एक हाथी का बल था, किसी में 10 हाथी का बल था। आजकल जो मशीनें चली हैं, ये कार चाहे बस, इसमें भी कई घोड़े चलते हैं, वास्तव में कई हॉर्स पावर होता है ना हॉर्स पावर मतलब इतने घोड़े खींच रहे हैं इस गाड़ी को, और पार्किंग में खड़े हैं। तो इस तरह से उद्धव जी कहते हैं कि वो है बले बल में नागायुत सम, नाग का अर्थ हाथी और अयुत का अर्थ है 10,000। 10,000 हाथी का बल है उसमें, वो दुर्विषय है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। बलिना नपि चान्य सम, अन्य जितने भी बलवान हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ वह है, यदि कोई व्यक्ति उसके समान बली है तो भीम है, भीमसेन उसके समान बली। भीमम सम बलम बिना, एक ही व्यक्ति ऐसा है जो उसके साथ मुठभेड़ कर सकता है, उसका जवाब दे सकता है, बाकी दुनिया में कोई भी जरासंध को नहीं हरा सकता। और मेरी इच्छा है, मेरा मत है प्रभु, कि उसको द्वैरथ में, द्वंद युद्ध में जीता जाए। द्वंद युद्ध का मतलब होता है एक व्यक्ति इधर से एक व्यक्ति इधर से, केवल दो लड़ते हैं, उसको द्वंद युद्ध कहते हैं, दो का युद्ध। उसको हराना चाहिए, उसको जीतना चाहिए द्वंद युद्ध में, द्वैरथ। मां शतौक्षणीर युद्ध, सैकड़ों औक्षणी सेना लेकर के उसके साथ युद्ध करना ठीक नहीं है, वो सबको मार देगा। यदि कोई उसके साथ युद्ध करने जाएगा तो सारी सेना को मरवा करके लौटना पड़ेगा उससे, इतना बड़ा बलवान, उसके सामने कोई ठहर ही नहीं सकता। जब मान लीजिए कोई कहे कि भाई एक सिंह है, बाघ है, और उसके सामने 2-4 लाख भेड़ को ले जाइए लड़ने के लिए, भेड़ समझते हैं बकरी भेड़ होते हैं, तो क्या ये सब मिल करके सिंह को मार देंगे? नहीं, वो सबको मार देगा, एक एक तमाचा मारेगा सब मर जाएंगे। सिंह को मारने के लिए कोई सिंह चाहिए, तो वो है भीम सिंह, जो जरा संध सिंह को हरा सकते हैं। तो हम चाहते हैं क्यों सेना खराब होगी, क्यों दूसरे लोग मरेंगे, वो मार देगा। अच्छा है कि भीमसेन के साथ उसका युद्ध होना चाहिए, लेकिन उससे युद्ध कैसे किया जाएगा, वो भीमसेन के साथ युद्ध करेगा ही नहीं। इसलिए हमारी इच्छा है कि भीमसेन उसके पास ब्राह्मण का रूप धारण करके जाए, और जब वो मांगे कि हमसे कुछ मांगो, कुछ कहे कि हमसे मांगो मांगो, तुम हमारे अतिथि हो, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था, ब्राह्मण उससे मस्तक भी मांगते तो दे देता, ऐसा कहा है उसने। तो उद्धव जी कहते हैं कि ब्राह्मण्य अभ्यर्थितो विप्रेरण प्रत्याख्याति करे जो, तो वो ब्राह्मण्य है, ब्राह्मणों का भक्त है जरासंध, यदि ब्राह्मण उससे कुछ मांगता है तो कभी भी वो नकारता नहीं है, वो दे देता है। इसलिए
ब्रह्म वेश धरो गत्वा तम भिक्षेत ब्रिकोदर। ब्रिकोदर भीमसेन जाए ब्राह्मण का रूप धारण करके, और जब वो कहे कि कुछ मांगो तो उनको मांगना चाहिए कि हमारे साथ युद्ध करो, ये मांगना चाहिए। तो वो कभी नकारेगा नहीं, और आपके साथ यदि उसका युद्ध होता है मल्ल युद्ध तो हनिश्चति न संदेहो द्वई रथे तब सन्निधो। यदि आप साथ में रहेंगे, इसका मतलब आपको भी ब्राह्मण के रूप में वहां जाना चाहिए, यदि आप साथ में रहेंगे तो भीमसेन निश्चित उसका वध कर देंगे, उसमें संदेह नहीं। हनिष्यति न संदेहो द्वई रथे तव सन्निधो। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपके सन्निधि में, तव सन्निधो, आप जब निकट रहेंगे तब जरासंध का वध कर देंगे। लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं कि यदि आप नहीं रहेंगे तो भीमसेन के लिए असंभव हो जाएगा उसको मारना। अब बताइए, जरा विचार कीजिए, दो पहलवान यदि लड़ रहे हैं, एक कोई आदमी खड़ा है, तो उसके रहने न रहने से क्या अंतर होगा? लेकिन उद्धव जी कह रहे थे कि यदि आप रहेंगे तो आपके रहने से भीमसेन उसको मार सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या है वास्तव में? बलम बलवताम चाहन, समस्त बलवानों के बल हैं, तेजस्वियों के तेज हैं। वहां रहेंगे केवल रिमोट कंट्रोल से भीम का बल बढ़ेगा, केवल खड़ा रहेंगे उसी से। ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप किसी को लड़ाइए किसी पहलवान के साथ और कहिए कि हम खड़े रहेंगे और तुम जीत जाओगे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, भगवान है, अनंत बल के आश्रय, उनकी सन्निधि ही काफी। बहुत महत्वपूर्ण बात उद्धव जी कह रहे हैं, आप रहेंगे वहां तो भीमसेन उसका वध कर सकते हैं। निमित्तम परमेश्वरस्य विश्वसर्ग निरोधयो हिरण्यगर्भ सर्वश्च कालस्य रूपिणस्तव। वास्तव में आप क्या हैं उद्धव जी? अब कहते हैं आप इस विश्व के सृष्टि स्थिति और प्रलय के कर्ता, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी और सर्व शिव जी, ये सब काल रूपी आपके ही रूप हैं, आप ही काल हैं। कालस्य अरूपिणस्तव। वास्तव में हे प्रभु, आप तो प्राकृत रूप से रहित हैं, दिव्य आपका आकार है, और आपकी शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, आपकी शक्ति से शिव जी संहार करते हैं, आप ही विश्व के सर्व स्थिति निरोध के कारण। तो आपके रहने से जरूर है भीमसेन जरासंध का वध कर देंगे। और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। तो उद्धव जी ने ये कहा कि आप पहले हस्तिनापुर जाइए, इंद्रप्रस्थ जाइए, और वहां से भीमसेन को लेकर और अर्जुन को लेकर आप जाइए गिरिब्रज, जहाँ जरासंध का नगर था, उसकी राजधानी थी, जहाँ वो 20,000 राजाओं को कैद किया था, पहाड़ के घाटी में बंद किया था, न भोजन देता था, न स्नान की व्यवस्था थी, कुछ भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं। और कुछ दिन के बाद भैरव को बलि चढ़ाने वाला था, सारे राजाओं को काट करके नमः शिवाय करने वाला था। जरासंध इतना क्रूर विचार वाला था। तो उद्धव जी कहते हैं कि जब आप उन राजाओं को छुड़ा देंगे कैद खाने से, तो सारे विश्व में आपका ये जस गाया जाएगा। गायन्ति ते विशद कर्म गृहे सुदेव्य राज्ञां स्वशत्रु बधमात्म विमोक्षणं च गोप्यश्च कुञ्जरपते जनकात्मजायः पित्रोश्च लब्ध शरणामुनयो वयं च। ते विशद कर्म, आपके इस दिव्य लीला को, शरण में आए हुए राजाओं को मुक्त करने की लीला को देव्यः गृहेषु गायन्ति, देवियां अपने घरों में गाएंगी।
यह देवी के दो अर्थ हैं, एक तो देवताओं की स्त्रियां गाएंगी भगवान का जस, और दिव्य का यह अर्थ है राजाओं की रानियां अपने घर में आपके इस दिव्य लीला को गाएंगी, इसका बखान होगा। गायन्ति ते विशद कर्म गृहेषु देव्यो राज्ञं स्वशत्रु बद्धमात्म विमोक्षणम च। तो राजाओं के शत्रु जरासंध का जब वध हो जाएगा तो इसको और राजाओं के मुक्ति की कथा को उनकी स्त्रियां गाएंगी, सब जगह सारा विश्व गाएगा, अर्थात देवियां गाएंगी तो मनुष्य तो गाएंगे ही। इस लोक में जब भगवान की कोई लीला होती थी तो सबसे पहले उसका डिस्प्ले प्रचार स्वर्ग में होता था, मनुष्य तो बाद में जानते थे। नारद जी आदि ऐसे महात्मा हैं जो एक सेकंड में स्वर्ग जा सकते हैं, ब्रह्मलोक जा सकते हैं। कोई भी भगवान लीला करते थे, जैसे गोवर्धन धारण है या और कोई लीला, तो सबसे पहले स्वर्ग में प्रचार होता था, ब्रह्मा जी के यहाँ, शिव जी के यहाँ सबसे पहले। अभी कभी कभी तो हम लोग ऐसा सुने हैं कि कोई कहीं घटना होती है तो सबसे पहले बीबीसी लंदन खबर देता है कहाँ की घटना है और कहाँ आकर के वहाँ से प्रसारण चालू होता है, बगल में ही लोगों को पता नहीं होता है ना। कुछ ऐसी व्यवस्था है मनुष्यों की कि कहाँ की घटना और कहाँ से प्रसारण होगा, चाहे टीवी में या रेडियो में तुरंत प्रसारण होता है। लोग बगल वाले देखते हैं कि अरे बीबीसी लंदन से ये दृश्य आ रहा है, उनको कैसे पता चल गया। पता चल जाता जब मनुष्यों की ऐसी व्यवस्था है, तो इस विश्व में देवताओं की कितनी सटल व्यवस्था होगी, कितनी सूक्ष्म और फाइन, तुरंत पता चल जाता। इसीलिए उद्धव जी कहते हैं कि देवियां अपने घरों में आपके इस दिव्य कर्म को गाएंगी। क्या दिव्य कर्म है? जरासंध का वध और राजाओं को मुक्त करना कैद खाने से, जेल से, ये विशद कर्म। भगवान इस जगत में आते हैं तो बहुत हित होता है, सबका हित होता है, सज्जनों का हित होता है, जो दुर्जन है उनको भी भगवान मारकर अपने घर भेज देते हैं, बैकुंठ में कहते हैं जाओ यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कोई है इस दुनिया में अपने शत्रु को मार कर कहेगा कि जाओ मेरा फ्लैट खाली है वहाँ रहो, कोई कहेगा? लेकिन भगवान का यह स्वभाव है, हतारी गतिदायक, हत का अर्थ मारे हुए, अरी का अर्थ शत्रु, अपने शत्रु को अपने अपना धाम देते हैं, जो धाम अनेक प्रकार से तपस्या करने से, यज्ञ और दान आदि करने से भी नहीं मिलता है, उस धाम में भगवान मार कर भेज देते हैं, यह शरीर छुड़ा करके दिव्य शरीर स्पिरिचुअल शरीर दे करके भेज देते हैं। तो किसी के शत्रु नहीं है भगवान कृष्ण, लगता है लीला में कि वो किसी को मार रहे हैं, किसी पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन उनका मारना या तारना सब एक ही है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सबके हैं। तो भगवान के इस दिव्य लीला को, कर्म को रानियां अपने अपने महलों में गाएंगी और देवियां गाएंगी। ये उपलक्षण इसके द्वारा यह कह रहे हैं कि सारा विश्व आपकी इस लीला को गाएगा, सब लोग गाएंगे। राज्ञां स्वशत्रु बधम आत्म विमोक्षणम, राजाओं के शत्रु का वध, जरासंध का वध और आत्म विमोक्षणम, उनके पतियों की जो रक्षा होगी तो वे लोग गाएंगे, राजा लोग जाएंगे अपने राज्य में तो फिर वे लोग गाएंगे। जैसे गोप्यश्च कुंजर पते जनकात्म जाया पित्रोश्च लब्ध शरणार्थमुनयो वयम च, जैसे आपकी लीला को श्री गोपी जन गाती हैं, गोपियां गाती हैं। गोपियां क्या लीला गाती हैं? एक बार शंखचूड नामक एक दैत्य ने गोपियों को चुरा लिया, दिन का समय था और वसंत ऋतु में होली के अवसर पर, ठीक होली के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रियाओं के साथ होली लीला खेल रहे थे, वसंत रास कर रहे थे दिन में, और श्री बलराम जी भी थे वहाँ भगवान के साथ। तो बलराम जी की गोपियाँ अलग हैं, उनके साथ श्री बलराम जी का संबंध है
और भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ अलग हैं, प्रियाएं। तो ये दोनों भाई अलग अलग स्थान पर लीला कर रहे थे, वास्तव में होली खेल रहे थे। तब तक एक शंखचूड़ नाम का असुर आया, जिसके चोटी में, जिसके केस पास में शंख रखा रहता था, शंख रखता था, उसको शंखचूड़ कहते। चूड़ मतलब चोटी, मुकुट। तो आया और देखा परम सुंदरी गोपियाँ, परम सुंदरी, भगवान की प्रियाएं तो भगवान के समान ही सुंदर होंगी। उनमें से वो दो चार गोपी को उठा करके भाग चला, बलवान था है। भगवान के देखते देखते गोपियों को उठाया, किसी को कंधे पर इधर उधर पकड़ कर, तो बहुत बड़ा राक्षस भाग चला। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को पुकारा, तो ये दोनों भाई बलराम और कृष्ण साल वृक्ष को उखाड़ करके वृंदावन से और ले करके दौड़े और उसी से उस पर फेंके, उसकी मृत्यु हो गई। वो छोड़कर भाग गया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो डर करके छोड़ दिया गोपियों को। तो गोपियाँ इस तरह से आपकी लीला को गाती हैं कि प्रियतम, हमारे प्रियतम ने हमको इस तरह से मुक्त किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो उसी तरह से देव राजाओं की स्त्रियाँ आपके इस लीला को गाएंगी कि आपने उनके पतियों को छुड़ाया। इसको आत्मविमोक्षणम कहो। तो गोप्यश्च गायंती और कुंजर पते है च गायंती। गोपियाँ एक बार संकट में पड़ गई थी, उसको गाती हैं, सब लोग गाते हैं। और कुंजर पते है, कुंजर माने हाथी, पति का अर्थ श्रेष्ठ गजेंद्र। गजेंद्र संकट में पड़ गए थे, ग्राह के चंगुल में थे। तो हे प्रभु, जब आपने ग्राह का वध कर दिया और गजेंद्र को मुक्त किया, तो इस लीला को सारा विश्व गाता है। कहाँ कहाँ भगवान मुक्त किए हैं उसको श्री उद्धव जी बता रहे हैं। तो आपने हाथी के सरदार की रक्षा किया, 1000 वर्ष तक युद्ध चला था ग्राह और गजेंद्र में। अंतिम दशा में ग्राह गजेंद्र जी पड़ गए थे, मरने की नौबत थी और पानी में डूबने डूबने को हो रहे थे, लेकिन अंततः उनको एक बुद्धि आई कि विष्णु के अलावा मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, भगवान के अलावा। तभी भगवान को पुकारे, पूर्व जन्म में सीखा हुआ स्तोत्र याद आ गया उनको, नमो भगवते तस्मै यत ये तत्चराचरम पुरुषायाद बीजाय परेशाय नमो नमः, ऐसे गाने लगे। एक स्तोत्र याद आ गया। ये ध्यान रखना चाहिए, इस जन्म में की गई भक्ति अनेक जन्म तक साथ रहती है, वो अव्यय है, अक्षय है, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती, वो सड़ नहीं सकता। जितने कर चुके हैं भक्ति तो उतनी बनी रहती है। मान लीजिए किसी कारण से, चाहे किसी भयंकर रोग से कोई ग्रस्त हो जाए या मृत्यु हो जाती है अकस्मात, अथवा विषय का आवेश हो जाता है, कोई किसी, कोई स्त्री या धन आदि में गिर जाए, पर पहले जो भक्ति किया है उसका फल अक्षय रहता है, वो इधर उधर नहीं हो सकता। अगले जन्म में जब भी वो चालू करेगा तो जहाँ से छोड़ा है वहीं से चालू करेगा, अब फिर शुरू से चालू नहीं करना पड़ता। जितना पर ला करके स्टॉप हो गया है, आगे जब भी करेगा तो वहाँ से चालू होगा। इसीलिए जो लोग भक्ति करते हैं, जप वगैरह करते हैं, वह नहीं करने वालों से बहुत श्रेष्ठ है। जो नहीं करते हैं तो वह अब जब करेंगे तो चालू करेंगे, पहले फाउंडेशन बनाएंगे, कितना मेहनत पड़ता है ना। लेकिन जो लोग भक्ति कर चुके हैं तो उनके उनके भक्ति का फल अक्षय रहता है। तो इस प्रकार कुंजरपति गजेंद्र जी पूर्व जन्म में जब इंद्रदुम्न महाराज थे, उस जन्म में उन्होंने एक बहुत स्तोत्र पढ़ा था बार बार, तो वो हाथी के शरीर में वो स्तोत्र याद आ गया और वे लगे पढ़ने। स्तोत्र पढ़ते पढ़ते अंत में एक ही बार पढ़े और तब भगवान उनके सामने आ गए, गरुड़ जी पर चढ़े हुए भगवान आ गए। बल्कि भागवत में भी सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि गरुड़ मंद गति है, ये बहुत स्लो चल रहा है,
तो गरुड़ को छोड़ करके भगवान आए बहुत वेग से और हाथ से पकड़ करके निकाले गजेंद्र को। कुछ भक्त कहते हैं कि भगवान माफ़ी मांग रहे थे गजेंद्र से कि मैं देर कर दिया। वो चरण छुए तो ग्राह गजेंद्र के पैर को पकड़े पकड़े ऊपर आ गया और भगवान ने तट पर ला करके गजेंद्र को मुक्त किया उस विपत्ति से, ग्राह को मार दिया, ग्राह भी स्वर्ग गया। तो हाथी को मुक्त किया भगवान ने, हाथी मरा नहीं। अगर मर ही गया होता तो भगवान रक्षा क्या करते बताइए। अगर हाथी के मरने पर दूसरा शरीर देते, हाथी को जब ही भगवान ने छुआ, भगवान के करकमल के स्पर्श होते ही वो चतुर्भुज रूप में परिणत हो गया, वो देह चिन्मय देह हो गया, स्पिरिचुअल शरीर हो गया। ऐसा नहीं था कि हाथी का शरीर उधर पड़ा हुआ है और इधर स्पिरिचुअल शरीर से वो वैकुंठ जा रहे हैं, नहीं, वो हाथी का शरीर ही स्पिरिचुअल हो गया, वही दिव्य हो गया, चिन्मय हो गया और चिन्मय चतुर्भुज रूप में। भगवान जब वहां से गए तो गजेंद्र को जो दिव्य पार्षद शरीर में थे गरुड़ जी पर बैठा कर ले गए। भागवत में वर्णन, गरुड़ जी के साथ भगवान गए, उधर से अकेले आए थे, इधर से स्वयं गए, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को बाइक पर बैठा कर ले जाए वैसे भगवान ले गए, वैकुंठ ले गए। यह कथा आज तक या अनंत काल तक गाई जाएगी सब जगह कि भगवान अपने शरणागत गजेंद्र की रक्षा किए, मुक्त किए ग्राह से। और जनकात्मजाया, और जिस तरह से आपने अपने श्रीराम अवतार में जनकात्मजा श्री जानकी जी की रक्षा किया, किसको मारकर, रावण को मारकर, रावण सीता जी का हरण करके ले गया था, ये कथा बहुत प्रसिद्ध है रामायण में, किस प्रकार रावण ने सीता जी का हरण किया था। वास्तव में असली सीता का हरण नहीं किया था, माया सीता का हरण किया था, फिर भी वो कथा बहुत प्रसिद्ध है। रावण को बार बार समझाया जा रहा था, भगवान ने भेजा हनुमान जी को एक बार, फिर अंगद जी को भेजा, लक्ष्मण जी ने एक पत्र लिखा कि ठीक है गलती तो कर दिए, क्राइम तो किए ही हो, लेकिन सीता को लौटा दो तो माफ़ कर दिया जाएगा। अभी माफ़ करने लायक काम नहीं किया था, किसी की स्त्री को चुरा करके ले जाना है, तो ये पाप जो है वध के योग्य होता है, ऐसे आदमी का वध कर देना चाहिए। कि फिर भी भगवान माफ़ कर रहा था, उन्होंने कहा ठीक है गलती हो गई, बेचारा गलती कर दिया, सीता को लौटा दो, लेकिन वो सीता को लौटाना नहीं चाहता था, अंत में मारा गया भगवान के द्वारा। कितना भी बलवान व्यक्ति हो यदि वो गलत पंथ पर पैर देता है तो मारा जाता है, देखा गया है। रावण बहुत बलवान व्यक्ति था लेकिन तो मारा गया इस पाप के चलते। पर स्त्री के साथ गमन करने वाले व्यक्ति की दो दुर्दशा होती है, इस जीवन में उसकी आयु घट जाती है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि नातः परम अनायुष्यम पर्दाराभिमर्शन, दूसरे की स्त्री का के स्पर्श करने के दोष के बराबर आयु को कम करने वाला दूसरा कोई पाप नहीं है, अनायुष्य। देखा गया इस संसार में कि पर स्त्री से संबंध रखने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी मरता है, मारा भी जाता है और मरता भी, स्वाभाविक भी, वो बहुत जल्दी मरता है, उसके उसके उसकी उम्र माइनस कर दी जाती है इस बात के चलते। नातः परम अनायुष्यम पर्दाराभिमर्शनम, पर्दाराभिमर्शनम, दूसरे के स्त्री के साथ संग करने वाले व्यक्ति को उसकी आयु घटाने के लिए और दूसरा कोई कारण नहीं है, इससे आयु कम हो जाती है। रावण की आयु कम हो गई इस पाप के चलते, यद्यपि उसने केवल सीता का स्पर्श भर किया, अपने बाहों में पकड़कर विमान पर ले गया, उसके साथ बलात्कार नहीं कर सका,
कभी भी इतना इतना तेज था सीता जी, फिर भी सीता जी को छूने के कारण मारा गया। द्रौपदी का केश आकर्षण किया जा रहा था, भरी सभा में केश खींच करके लाया था दुशासन। इस पाप के चलते उस सभा में जितने लोग बैठे थे सबकी आयु माइनस कर दी गई, सब मारे गए कुरुक्षेत्र के युद्ध में। भगवान तो अन्याय कर नहीं सकते, क्या सबकी आयु बीत गई? हाँ, जिन लोगों ने द्रौपदी के केश का खींचना देखा था और मना नहीं किया था, या तो उनको चाहिए था कि सभा से निकल जाते और नहीं तो मना करते, मना नहीं किए, भीष्म आदि भी, इसलिए उनकी आयु क्षत हो गई। कचस्पर्श क्षता आयु सब, ये भागवत में लिखा गया। यद्य स्पर्श किया एक व्यक्ति, लेकिन उसका अनुमोदन बहुत लोग कर रहे थे, इसलिए सबकी आयु माइनस कर दी, मर गए। जनकात्मजा को भगवान ने मुक्त किया, वानर भालुओं की सेना इकट्ठी करके वे लंका गए, रावण का वध किया और सीता जी को मुक्त करके अयोध्या लाए। इस लीला को भी भक्त लोग या देवता सब गाते रहते हैं, गायंती सब जगह लगेगा। गायंती ते विशद कर्म और पितरोश्च, और आपने मुक्त किया अपने माता पिता को कंस के कारागृह से। ब्रज में भगवान 11 वर्ष लगभग रहे, और ब्रज से जब मथुरा गए तो कंस का वध करके देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी खोले और माता पिता को जेल से मुक्त किए। इस लीला को भक्त जन देवता सारी दुनिया गाती रहती है, भगवान ने इस तरह कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त किया। कृष्ण और बलराम मुक्त किए देवकी वसुदेव को, तो उसमें बहुत स्नेह के शब्द बोले हैं कि हे पिताजी, हे माँ, आप मुझे क्षमा कीजिएगा, हम लोग आपकी सेवा नहीं कर पाए, इस देह को आपने जन्म दिया, इस देह को पाला पोसा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो देवताओं की आयु पाकर भी अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाए? कोई ऐसा नहीं। माता पिता इतना स्नेह करते अपने बच्चे से, दवाई कराते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। और यदि कोई गरीब माता पिता है तो ऋण लेकर भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या दवाई कराते हैं, है ना? हमने अपने आंखों से देखा है, जाड़े के दिन में यदि छोटा बच्चा बेड पर पेशाब कर देता है, जाड़ा का दिन है, कितना ठंडा होता है, तो माँ उस भींगे हुए वस्त्र पर सो जाती है और बच्चे को सूखे स्थान पर सुलाती है। यदि रात भर उसको ठंडा लगेगा, लेकिन अपने पुत्र के स्नेह में उस दुख को भूल जाती है। खिलाना पिलाना, बच्चा पर मल मूत्र साफ करना, हमेशा गोद में रखना, ऐसे करना, कौन ऐसा है जो कुछ भी करके माता पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है? कोई ऐसा नहीं। तो भगवान ने जब देवकी वसुदेव को छुड़ाए तो उस समय ये वाक्य बोले हैं कि कोई देवताओं की आयु पा करके भी माता पिता की रोज नित्य सेवा करे, फिर भी उसके उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। एक बार एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, मैं ऐसे बोल रहा था, उन लड़का था लगभग 20-22 वर्ष का, तो वो कहता है कि महाराज, जब हम उनके ऋण से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ऋण से मुक्त होने वाला काम करने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए, इतना इतना बुद्धिहीन डल माइंडेड आदमी, जब कुछ भी करके उनके ऋण से मुक्त होंगे ही नहीं, इसलिए कुछ करना ही नहीं चाहिए। इतने थर्ड क्लास के बुद्धि वाले लोग ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि तब तुम कुछ भी उनकी सेवा ही न करो, जितनी शक्ति है उतना तो करो, जितनी शक्ति है उतनी सेवा करो। आजकल के लोगों को ये सब शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण और बलराम जी के वाक्य से जब वो बोले हैं भागवत में, यह शरीर जन्म लेता है माता पिता के द्वारा, इसका पोषण होता है माता पिता के द्वारा, वही वास्तव में इसके अधिकारी हैं, तो इस देह के द्वारा माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
यदि कुछ लड़के माता पिता से दूर हैं, नहीं शरीर से सेवा कर सकते, तो उनके पास पैसा भेजना चाहिए, पैसे से उनके सेवा की व्यवस्था करनी चाहिए। ये धर्म है, पैसे से उनको सेवक भी मिल जाएंगे, उनको और सब सुविधा मिल सकती है। बात है कि वो करना चाहे तब ना, करना चाहता ही नहीं वो पापी आदमी तो क्या कहा जाएगा। करना चाहे तो उसको हर एक तरह से प्रेरणा मिल सकती है, सुविधा मिल सकती है, और नहीं करना चाहे तो क्या होगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति से पैसा लिया था, कर्जा लिया था, लोन लिया था। तो जो लोन दिया था वो एक बार उसके पास फोन किया, हेलो हेलो हेलो, तो वो पहचान गया, जो पैसा लिया था पहचान गया कि ये तो हमसे पैसा मांगेगा। तो वो जोर जोर से बोल रहा, हेलो अमुक आप बोल रहे हैं ना? तो वो कहता है, व्हाट व्हाट, क्या क्या? वो सुन रहा था, पूरा समझ गया कि जो पैसा दिया है वो पैसा मांगेगा। तो कहता है, क्या? अरे आप सुनते नहीं हैं, आपकी आवाज़ तो हम सुन रहे हैं। तो वो कहता है, नहीं हमको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, हमको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, आपने हमसे पैसा लिया था, वो बहुत दिन बीता, आप कब देंगे कब देंगे? तो कहता है, क्या क्या सुनाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। जो पैसा दिया था वो हैरान हो गया। तब उसने एक्सचेंज में फ़ोन किया, एक्सचेंज ऑफिस में, फोन विभाग के ऑफिस में फ़ोन किया, ऑपरेटर को फ़ोन किया, कहा कि अरे भाई हम फ़ोन कर रहे हैं, उस आदमी को सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, फ़ोन में क्या कमी है, जरा व्यवस्था कीजिए, आप पूछिए। तो ऑपरेटर लगा पूछने, हेलो हेलो फ़ोन करके, आप कौन हैं? तो उसने बताया, मैं ये हूँ, आवाज़ नहीं पहचाना। तो आपने अमुक व्यक्ति से पैसा लिया था, वो पैसा के लिए आपको बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ता है। इस समय हमारी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, उसका पैसा लौटा दो, वो पैसा मांग रहा है। तो फिर लगा कहने, क्या पूरा सुनाई पड़ रहा था, वो तो क्या क्या, अरे भाई उसका पैसा लिए थे, वो मांग रहा है, उसका पैसा लौटाओ, हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो ऑपरेटर कहता है, अरे भाई तुम्हारी बात, ये बात तो हमको सुनाई पड़ रही है, तो हमारी क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है? वो व्यक्ति तुमसे पैसा मांग रहा है, हमको फोन किया बाद में कि मैं ऑपरेटर हूँ और उसको फोन करूँ, तो फोन सुनाई पड़ रहा है तुमको, और उसने फोन किया था वो सुनाई पड़ा। तो कहा कि नहीं नहीं हमने तो आज फोन में कोई आवाज ही नहीं पाया, अभी भी इस समय इतना डिस्टर्बेंस है कि आवाज को सुनाई नहीं पड़ रही है। अरे उसका पैसा लिए थे ना? तो वो कहा था, क्या? अरे उसका पैसा लिए थे, वो फोन किया, हमको तो सुनाई पड़ा, तुमको तो सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। तो वो कहा था, क्या 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 कहा? तो वो कहता, उससे पैसा लिए थे ना, उसका पैसा दे दो। तो ये कहते, हमको सुनाई नहीं पड़ता है, तुमको सुनाई पड़ रहा है तो दे दो, हमको बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से हमको सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। तो वास्तव में जितनी शक्ति है, सुविधा है, उसके अनुसार माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने जब माता पिता को मुक्त किया कंस के कारागृह से, तो उस लीला को सारी दुनिया में गाया जाता है, और लब्ध शरणा मुनयो वयम च, और आपकी शरण में आए हुए मुनिजन जैसे राक्षसों के चंगुल से छुड़ाए गए। भगवान श्री राम के अवतार में बहुत राक्षसों का वध किया भगवान ने, और मुनियों की रक्षा किया, और वयम च, और हम लोग भी, हम लोग माया के बंधन से आपकी कृपा से छूटते हैं। तो इस लीला को सब जगह गाया जाता है, तो भक्तों की रक्षा में एक नई कड़ी जुड़ेगी आपके लीला में, कि आपने राजाओं को मुक्त किया, उनके शत्रु जरासंध का वध किया। जरासंध वध कृष्ण भूर्यर्थाय उपकल्पते प्रायः पाक विपाके न तव चाभिमतः क्रतुः।
जरा संध का यदि वध किया जाएगा इस तरह से तो सब काम हो जाएगा। आप चाहते हैं कि यज्ञ होना चाहिए तो यज्ञ पूरा करने के लिए भी जरा संध का वध बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप इंद्रप्रस्थ जा करके और वहाँ से फिर राजगृह जाइए, यही हमारा मत। भगवान श्री कृष्ण ने सबके सामने कहा, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं तो बहुत टेंशन में पड़ा था क्या करना चाहिए, लेकिन मित्र तुमने बहुत अच्छा सलाह दिया, ठीक है यही करूँगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त परिवार के साथ, 16,000 स्त्रियों के साथ और कई बड़े बड़े योद्धाओं के साथ, सेना के साथ वे हस्तिनापुर गए, यज्ञ में भाग लिए, उनकी अग्र पूजा की गई। इस प्रकार से ये श्री कृष्ण की लीला है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रसंग पूरा किया। इसके बाद प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण किस प्रकार हस्तिनापुर गए, कैसे मिले, कैसे यज्ञ हुआ, कैसे जरासंध का वध हुआ। कृष्ण बलराम, कृष्ण भीमसेन और अर्जुन, ये तीनों ब्राह्मण के रूप में गए गिरिब्रज जरासंध के पास। ब्राह्मण की पोशाक अलग होती है, क्षत्रिय की पोशाक अलग होती है। ब्राह्मण हाथ में वेद लिए रहते हैं, पुस्तक, और क्षत्रिय गदा या धनुष बाण लिए रहते हैं। और ये थे क्षत्रिय तीनों, कृष्ण भीमसेन और अर्जुन, परंतु ब्राह्मण बनकर गए। और उस समय इनको भेजा गया था, युधिष्ठिर महाराज ने भेजा था, जिस समय वो आता है ब्राह्मणों के पास यह कहने के लिए आपको क्या चाहिए क्या चाहिए, कुछ अतिथि ब्राह्मण उसके गेस्ट हाउस में आकर रुकते। तो जरासंध आया, ये तीनों ब्राह्मण बैठे थे, तो इनको देख करके वो स्वागत किया, आपका स्वागत है, आप हमसे मांगिए, आप हमसे हमारा मस्तक भी मांगेंगे तब भी मैं दे दूंगा, मुझे ब्राह्मण इतने प्रिय हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को और भीमसेन को, आप लोग मत बोलना, हमको बोलने देना उसके साथ। तो ये दोनों भाई तो चुप थे, जहाँ कहीं किसी समाज में जाए तो जो अच्छा बोलना जानता है, कूटनीति जानता है, उसी को बोलने देना चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? फिर पूछा रहे ब्राह्मणों से, ये क्या पूछना है राजन, हम कुछ मांगने आए हैं आपसे। अच्छा ठीक है, तुम मांगिए, खुल करके बोला मांगिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम लोग आपके साथ युद्ध करने आए हैं, आप हमें युद्ध दीजिए। जरा संध पहले संकित था कि ये ब्राह्मण नहीं है, लग रहा था कि ये क्षत्रिय हैं, और ये भी उसको शंका हो रही थी कि कहीं ना कहीं इन लोगों से मेरी भेंट हुई है, युद्ध में हुई थी, और भगवान कृष्ण से तो हुई थी, मथुरा में 17 बार लड़ा था, 18वीं बार वो भगवान भाग गए थे। तो देख, जब उन्होंने कहा कि हमको युद्ध चाहिए तो उठ ठा करके हंसा, क्यों युद्ध चाहिए, मैं ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करता। लेकिन भगवान ने कहा कि आप तो पहले वचन दे चुके हैं कि हम जो मांगेंगे वो देंगे, तब आप हैं कौन। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए मैं आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, और ये हमारे फुफेरे भाई हैं भीमसेन, ये युधिष्ठिर से छोटे, और ये उनके तीसरे भाई हैं अर्जुन, इनका नाम अर्जुन है ये है, और मेरा नाम कृष्ण है, हमें युद्ध चाहिए। तो ठठा करके जरा संध हंसा, अरे बाप रे, तो ये नाटक कर क्यों कर रहे हो, ठीक है लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी, तुम युद्ध छोड़ करके भागे हो, इसलिए ऐसे कमजोर और कायर के साथ मैं नहीं लड़ सकता। भगवान जो चाहते थे वही होना था, वो तो चाहते थे भीमसेन लड़े, और अर्जुन को ये कहे
वो कहा जरासंध कि अर्जुन हमसे शरीर में दुबला पतला है और ये उम्र में भी कम है, इसलिए इसके साथ लड़ने में मेरी बेइज्जती है, इसमें बल भी नहीं है, इसके साथ क्या लड़ूं, इसके साथ नहीं लड़ूंगा। और तुम तो इतना डरपोक हो, तुम्हारे साथ लड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा दुनिया में भी। जरासंध कृष्ण के साथ लड़ा, छी छी, जैसे कोई मेढक जो कोई सिंह है किसी भेड़ा के साथ नहीं लड़ सकता है, उस तरह तुम्हारे साथ लड़ना तो बहुत खराब। भीमसेन हमारे समान बल वाले हैं, इनके साथ मैं लड़ सकता हूँ, ठीक है। अब तय हो गया, वो आया सज करके और भीमसेन को एक गदा दिया। वहाँ के स्टेडियम में ये युद्ध होना था, पहलवानी रेसलिंग होने वाला, लेकिन ये रेसलिंग नहीं था, वास्तव में यह जान मारने की लीला होने वाली थी। तो 27 दिन वो लोग लड़ते रहे, भीमसेन और जरासंध, निर्विशेष युद्ध हुआ, मतलब किसी तरफ कोई कम बेसी का पता नहीं चलता था, समभाव से युद्ध हुआ। रात को लोग मित्र की तरह रहते थे, बात करते थे, ये भी कहते थे यार तुमने तो कमाल कर दिया आज के युद्ध में, और कई गदा, हजारों गदाएं टूट करके चूर्ण चूर्ण हो गई थी एक दूसरे के शरीर पर लग कर, रोज कई सौ गदा टूट जाती थी, फिर दूसरी गदा आती थी, एक समान गदा हर एक चीज की बनी हुई। भीमसेन का शरीर बहुत कड़ा था, उसका भी कड़ा था, गदा टूट करके नष्ट हो जाती थी। शाम को फिर मिलते थे, एक साथ खाते थे पीते थे, सवेरे फिर जो 27वें दिन की रात में भीमसेन ने भगवान से कहा कि कृष्ण मैं उसको नहीं जीत पाऊंगा, 28वां दिन युद्ध होने वाला है, मैं नहीं जीत पाऊंगा, बहुत कठिन है उसको मारना। तब भगवान ने उसके जन्म का इतिहास सुनाया कि कैसे कैसे जन्म हुआ था और कैसे इसके शरीर का वेल्डिंग हुआ था, जोड़ा गया था। भगवान ने समझाया, देखो गदा मारते मारते हजारों वर्ष बीत जाएगा, वो मरेगा नहीं, किसी तरह से उसको पटको और पटक करके उसके अपने पैर से उसके एक पैर को दबा लो और एक पैर को ऐसे खींच दो, वो तुरंत फट जाएगा, और खींच करके दोनों टुकड़ों को बहुत दूर विपरीत दिशा में फेंकना है, तो एक साथ वो जुटने का भय रहता है, जी जाने का, पहले वैसे जन्म हुआ था, तो किसी तरह पटक करके उसके टांग को, दोनों टांग को ऐसे खींचो कि वो फट जाए, ऐसे मरेगा, और मैं संकेत करूँगा कल के युद्ध में। तो चालू हुआ युद्ध, फिर वैसे ही, कोई नतीजा नहीं आ रहा था, कोई परिणाम नहीं, सेम बल था। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया एक मुंज लेकर के सींक को चीरने का, ऐसे भगवान खेल कर रहे थे, उधर देख नहीं रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, से भीमसेन को दिखा रहे थे कि इनको याद आ जाए, और जरासंध न समझ पावे कि कृष्ण क्या कर रहा है, वो तो युद्ध करने में व्यस्त है। भगवान ऐसे जैसे लोग खर पात तोड़ते रहते हैं ऐसे लिए और ऐसे फेंक करके फिर ऐसे फेंक दिए दोनों को, और तो भीमसेन ने देख लिया, और देख करके तुरंत तो उसको जोर लगा कर पटके और पटक करके अपने एक पैर को धरती पर लगाए, एक पैर को उसके पैर को दबाए, और दोनों हाथों से उसको ऐसे खींच दिए एक पैर को, बस फट गया, और फट गया तो एक टुकड़ा को इधर पश्चिम फेंके, एक को पूरब फेंके, बस दूर हाहाकार हो गया उस नगर में, हाय हाय जरासंध को फाड़ दिया, मर गया, बहुत शोक, स्त्रियां रोने लगी, सब लोग रोने लगे, लेकिन तो ये काम हुआ। इसके बाद भगवान गए वहाँ जहाँ राजा लोग कैद थे, वे राजा लोग भगवान को देख करके तृप्त हो गए, बहुत आनंद का दृश्य हुआ भगवान का दर्शन पा करके। फिर भगवान ने उनका स्वागत किया, स्नान करवाया, खिलाया पिलाया। सहदेव नाम था जरासंध के पुत्र का, तो उस राजा ने जरासंध सहदेव ने सबकी व्यवस्था किया, और फिर लोग अपने अपने घर गए, और अपने अपने घर जा करके कुछ दिन के बाद वहाँ से बहुत बड़ा बड़ा भेंट की सामग्री पैसा लेकर के हस्तिनापुर आए, उस यज्ञ में मदद किए,
और सब राजाओं ने भगवान की पूजा को देखा था, भगवान के साथ वो बैठे थे, ये सौभाग्य दिया भगवान ने। इस प्रकार इन लीलाओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव स्वभाव आदि का पता चलता है। वे अपने शरणागतों से कितना स्नेह करते हैं, उन्हें दुख से बचाते हैं। तो इस प्रकार इन लीलाओं के श्रवण से भगवान में प्रेम बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कथा में आए, शांति के साथ आपने श्रवण किया। और विशेष करके भज गोविंदम प्रभु जो बहुत ही परिश्रम किए इस कथा के लिए, उन्हें तो किशोर किशोरी जी आशीर्वाद देंगे ही। हम लोग तो केवल धन्यवाद दे सकते हैं, आशीर्वाद तो वो दे सकते हैं। और बहुत धन्यवाद सुनील माधव प्रभु जी को जो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बड़े ही मनोजोग के साथ कथा का श्रवण किया, हमको उत्साहित किया, और सबको जोड़े हुए हैं किशोर किशोरी जी की सेवा में। और मथुरेश दास जो आज अपने पिताजी के अस्वास्थ्य के कारण नहीं आ पाए, लेकिन उनका भी बहुत सहयोग रहा। और बहुत से भक्त जो इसमें भाग लिए, जैसे संजय जी रोज व्यवस्था करते थे, और अन्य भी भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान कृष्ण का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। और जो सच्चिदानंद प्रभु भी रोज आए, मैं इधर देख नहीं रहा था इस समय, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। तो अब जिन लोगों ने भी इस कथा में सहायता किया है, सुने हैं, हमें उत्साहित किया है, सबके लिए मैं भगवान से कामना करता हूँ कि उनका मन उनके चरणों में लगे। और किशोर किशोरी जी सदा उनसे स्नेह करें। हरे कृष्ण, जय कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna,